सर जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं सर्वेश्वर धाम पटना में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सर्वेश्वर धाम महाशिवरात्रि महोत्सव में 18 फरवरी को भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सर्वेश्वर धाम परिसर में श्रद्धालुओं और भक्तगणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी भक्तगण और श्रद्धालु ने शिवरात्रि के अवसर पर शिव पर जल चढ़ाया। वहीं सर्वेश्वर धाम महाशिवरात्रि महोत्सव पर समूचे नगर में शिव बारात झांकी निकाली गई। यह शिव बारात झांकी पटसा सर्वेश्वर धाम परिसर से होते हुए समूचे नगर में निकाली गई। खबरों के मद्देनजर यह शिव बारात झांकी देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ पड़ी, जिसमें शिव बारात झांकी दिखाकर कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के अवसर पर मिथिला के कई दिग्गज हस्ती और विभूतियों की भी मौजूदगी रही। बता दें कि सर्वेश्वर धाम पटसा में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 18 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के में बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका ज्योति प्रिया राम सेवक ठाकुर की बेजोड़ प्रस्तुति रही, जिसमें उनका गायन सुनकर दर्शक भाव विभोर होकर झूमने लगे। सुप्रसिद्ध गायिका ज्योति प्रिया माला झा, सुप्रसिद्ध गायक राम सेवक ठाकुर ने दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। मौके पर पटसा महाशिवरात्रि महोत्सव के हसनपुर प्रखंड के वीडियो और शिक्षा पदाधिकारी गणों की भी मौजूदगी रही। मिथिला की हस्ती प्रोफेसर प्रेमजी, डॉक्टर धनाकर ठाकुर, मुखिया वैद्यनाथ झा, मुरारी झा, भाजपा की कई कद्दावर नेता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि देर रात तक सुप्रसिद्ध गायिका ज्योति प्रिया और राम सेवक ठाकुर जी का भक्तिमय कार्यक्रम चला। दूसरी तरफ उनकी बेजोड़ गायन सुनकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु और भक्तगण भाव विभोर होकर झूमने लगे। बता दें कि सर्वेश्वर धाम महाशिवरात्रि महोत्सव पटसा में 4 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मिथिला के सुप्रसिद्ध कविगणों का आगमन हो रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक कवियों की प्रस्तुति होगी। सर्वेश्वर सेवा समिति के तरफ से कार्यक्रम में उपस्थित कलाकार और मिथिला की महान विभूतियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग माला और चादर देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि सर्वेश्वर धाम महाशिवरात्रि महोत्सव में शानदार मेला का आयोजन किया गया है। वहीं लाखों की भीड़ शिवरात्रि महोत्सव पटसा में उमड़ पड़ी। Thank you.